दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते के 7 दिनों में से कौन सा दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो आप कहेंगे कि 7ों दिन ही इक्वल होते हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डे में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और किसी दूसरे दिन में कम प्रोडक्टिविटी हो। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा पाया गया है कि ट्यूसडे, जी हाँ, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार सबसे अधिक प्रोडक्टिव डे होता है। और साथ ही साथ जो एक वीकेंड से पहले का दिन होता है, कुछ कंपनीज में वीकेंड से पहले का दिन शनिवार होता है और कुछ कंपनीज में वो शुक्रवार होता है, तो वीकेंड से पहले का जो दिन होता है वो सबसे अधिक पुअर परफॉर्मेंस देने वाला होता है, सबसे कम प्रोडक्टिविटी उसी दिन निकलती है। और इसके अलावा दूसरी बहुत कम प्रोडक्टिविटी निकलने वाला दिन जो होता है वो सप्ताह का पहला दिन होता है, यानी कि सोमवार। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को बहुत ही कम आउटपुट निकलती है। इसके पीछे सारे साइकोलॉजिकल कारण हैं। एंड ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इस बात को समझ करके आप अपने मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं, कुछ एक्शंस ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जनरली यह पाया गया है कि जब एम्प्लॉयज वीकेंड के बाद ऑफिस में मंडे को लौटकर आते हैं तो उनके दिमाग में अभी भी वीकेंड चल रहा होता है और वापस काम में आने में उन्हें समय लगता है, जिसकी वजह से वो मंडे को प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते। और जब बात शुक्रवार की या शनिवार की होती है तो वो पहले दिन ही एक मूड में चले जाते हैं जो कि एक वीकेंड का मूड होता है और उस समय पर उनकी आउटपुट ड्रॉप होती है। तो दोस्तों, आप इंश्योर करें कि एज ए मैनेजर, एज ए बिजनेस ओनर, आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली वर्क एलोकेट करें और अपने कैलेंडर को भी उसी तरीके से प्लान करें जिससे कि आप एम्प्लॉयज से बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकें।